What is the mission that you're on? कोई मिशन नहीं, मैं बस अपने अनुभव को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मौजूद हर जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, ये जीवन पूर्ण होना चाहता है। हर जीवन का बस यही एकमात्र लक्ष्य है। 2023, आइए इसे रोशन करें। प्राण प्रतिष्ठा उस ऊर्जा को साकार करने का एक प्रयास है जिसे आमतौर पर ईश्वर कहा जाता है। ये लोगों का ध्यान आकर्षित करके उनके जीवन को उन्नत और सशक्त बनाने की संभावना पैदा करता है। हमने तीसरी आंख को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाया है, वो मुक्ति की ओर ज्यादा ले जाती है। Feel blessed to be here on the holy occasion of Mahashivaratri in the presence of Adi Yogi. ये आपके स्वर्ग जाने की मान्यता के लिए नहीं है, ये आश्वासन पाने के लिए नहीं है। आज का दिन हर किसी के लिए अपने आप को सच्चा साधक बनने के लिए प्रतिबद्ध होने का है। खेल को सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि उस खेल भावना को अपने जीवन के हर पहलू में लाना है। आइए इसे संभव बनाएं, एक प्रसन्न भारत का निर्माण करें। क्या कहते हैं आप लोग? I'm glad to know that the event has become an effective tool for social transformation. Renowned yogi Sadhu Guru, the founder of the Save Soul movement, spoke at COP28. ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। अगर कहीं भी 60% मतदाता स्पष्ट रूप से ये कहें, हमें मिट्टी की चिंता है, हमारे बच्चों का क्या होगा, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं चुनेंगे, ये तुरंत चुनावी मुद्दा बन जाएगा। और एक बार ये चुनावी मुद्दा बन गया तो कार्रवाई होगी। You for your leadership. He has the mansion. उत्सव हो चुका है, सबका ध्यान मिट्टी की ओर चला गया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। पहला मैसेज सद्गुरु जी का है। इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है। अपने भीतर शांति, खुशी, आनंद की केमिस्ट्री बनाना, ये कुछ ऐसा है जो हमें हर व्यक्ति के जीवन में और पूरी मानवता के बीच लाना चाहिए। आइए इसे संभव बनाएं। सामान्य तौर पर सद्गुरु जी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। And we're doing a large meditation session, is that right? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लगभग 12,000 लोग। Not large. ये जो टिक टिक कर रही है वो घड़ी नहीं है, ये आपकी जिंदगी है जो निकली जा रही है। इस पल जब मैं आपके साथ हूँ तो मैं 100% हूँ। इस समय आप मेरे जीवन में सबसे जरूरी व्यक्ति हैं और मैं इसी तरह जीता हूँ। मैं सिर्फ उसी की एक अभिव्यक्ति हूँ जो मैं हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। शांभवी यानी एक अनोखा संधि क्षेत्र जिसमें आप शरीर में स्थापित रहते हुए एक भौतिक प्रकृति से परे के आयाम को छूते हैं। The meditation was phenomenal. To be with Sadhguru is always a great event. मेरा इरादा पूरी दुनिया को दीक्षा देना नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से हर कोई अपने आसपास के कम से कम 10 और लोगों का जीवन बदल देगा, सिखाने से नहीं बल्कि अपने होने के तरीके से। गुरु कोई शिक्षक नहीं होता, गुरु कोई मार्गदर्शक या दार्शनिक नहीं होता, नहीं वो मित्र होता है, वो बस आपको रोशन करने के लिए वहां मौजूद होता है। तो आज उस दिन के 40 साल बाद यहां हम एक बार फिर इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन के नए स्वरूप को लॉन्च कर रहे हैं। 7 चरणों में बदलें अपना जीवन सद्गुरु के साथ, आइए इसे संभव बनाएं। संयमा में होने का सबसे जरूरी पहलू यह है कि अब आप ध्यान को एक अभ्यास के रूप में देखने और अनुभव करने के बजाय उसे अपने जीवन का एक गुण बना लेते हैं। मेरे जीवन की सच्चाई क्या है, ये जानने की प्यास कई गुना बढ़ गई है, खासकर दुनिया भर के युवाओं में। इस पैमाने पर कोई आध्यात्मिक प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। गुरु की गोद में होने का मतलब है कि आप जीवंत बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा सिर्फ विलीन होने की है तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस बैठे रहें। आज बुद्ध पूर्णिमा है, ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी बुद्धि से ऊपर नहीं उठते हैं तो मानसिक बीमारियों का आना स्वाभाविक है। इससे पहले कि सदगुरु 2024 में अपना कॉन्शियस प्लेनेट अभियान शुरू करें, मैं अपनी बुद्धि से कम थोड़ा सा ऊपर हो जाऊंगा। इस धरती पर सबसे जरूरी चीज तैयार करने की जरूरत है, वो है शानदार इंसान।
योगी होने का मतलब है आप एक मंदिर की तरह बन गए हैं। एक मंदिर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उससे एक खास ऊर्जा बाहर आती है। ऐसा होना चाहिए। सिर्फ तभी आप जान पाएंगे कि जीव होने का मतलब क्या है। असल में आप जीवन से तकलीफ नहीं पा रहे हैं, आपकी तकलीफ जीवन की दो सबसे जरूरी क्षमताओं से है, चीजों को जीवित रूप में याद रखने की क्षमता और अद्भुत कल्पना शक्ति। हर दिन लाखों लोग जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो परमानंद के आंसू उनके गालों को धो रहे होते हैं। यही मेरी एकमात्र उपलब्धि है, बाकी सब सर्कस है। We are about to celebrate 5,000 years of yoga's history. Sadhguruji is here because he can share with us his wisdom. Sadhguru, we welcome you to UNESCO. योग का महत्व, अपनी व्यक्तिगत प्रकृति की सीमाओं का पता लगाना है। अगर नीति बनाने वाले समझते हैं कि ये चिंता का विषय है, वो सही नीतियाँ बनाएंगे। आप बस हर दिन किसी न किसी से मिट्टी के बारे में कुछ कहें, कम से कम अपने फोन पर या मिट्टी बचाओ कहकर पोस्ट करें। वायरल वीडियोस एसेंशियली ऑफ आवर इसरो साइंटिस्ट बिफोर चंद्रयान 3 इज लॉन्च विजिटिंग टेंपल। वो क्यों नहीं जा सकते? दिस इज साइंस, व्हाई आर यू मिक्सिंग फेथ इन इट? मंदिर कुछ संभावनाओं को खोलने का एक साधन है। हम भगवान से अपने चंद्रयान को सफल बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। वैज्ञानिक ये खोज कर रहे हैं कि इतने बड़े काम को करने के लिए खुद को कैसे अपग्रेड किया जाए। अगले 35 से 40 वर्षों में जब 70% से ज्यादा आबादी का कोई धर्म नहीं होगा, तब हर कोई या तो ड्रग एडिक्ट होगा या शराबी होगा, या वो ध्यान करेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो भीतर की ओर मुड़े, केमिकल से खुद को बर्बाद न करें। बहुत बड़ा दिल, मेरे पास ऐसी चीजें नहीं है। मैंने अपने दिल के लाखों टुकड़े करके उसे दुनिया में फेंक दिया है। मैं अपने मूल्यों के आधार पर नहीं जीता हूँ, मैं अपनी नैतिकता के आधार पर नहीं जीता हूँ, मैं ऊपर से मिले किसी आदेश के आधार पर नहीं जीता हूँ, मैं अपनी मानवता के आधार पर जीता हूँ। व्यवसाय शुरू करना मतलब आप अपने जीवन को पूरी तरह से झोंक देना चाहते हैं। आप खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। व्यवसाय को सिर्फ आजीविका चलाने के एक तरीके के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये जीवन निर्माण का एक तरीका है, ये एक विकल्प है जो आपके पास है। या तो बस आप अपनी आजीविका कमाएं या इससे जीवन निर्माण करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस कितना बड़ा हो गया है, आपका अनुभव कितना पूर्ण है, बस यही मायने रखता है। जरूरी बात यह है कि ऐसे समय और स्थान बनाए जाएं जहां आप शांत और मौन होकर रह सकें। सिर्फ मौन के गोद में ही सारी ध्वनियां घटित हो सकती हैं। भक्ति की इस विशाल नदी को बहते हुए देखना बहुत ही शानदार है। 85 साल की उम्र में भी ये प्रैक्टिस करते हैं, बस गेंद को मारना है। समर्पण देखो, ये हासिल करने के लिए मैंने क्या किया है। यहाँ 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 वो है जिसने जिंदगी के रास्ते पर रोशनी छिड़की। वाह वाह वाह। Sounds of Sanity, Discovering Inner Peace, A Conversation Between Black and Sadhguru. प्रेम वो नहीं है जो आप करते हैं, प्रेम वो है जो आप बन सकते हैं। रफाल से मिलना शानदार था। तुम जवान आदमी हो, चार पहियों पर हो, मैं इस उम्र में भी दो पहियों पर हूँ। I gotta say, it's pretty impressive. खुद को अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रखना आपकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ करते हैं या नहीं, इससे तय होता है कि कोई जीवित रहेगा या नहीं। What is Shiva? और who is Shiva? ये ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका मैं उत्तर दे सकता हूँ, पर मैं इसका प्रसार कर सकता हूँ। भारत को संघर्ष की भावना की नहीं, जीवन की भावना की जरूरत है। इस नाग पंचमी में आप सभी का स्वागत है। आपका बोध कितना गहरा है ये तय करेगा कि आप कितने सफल हैं। मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ, ये जीवन पूर्ण होना चाहता है। हर जीवन का बस यही लक्ष्य है। How do you keep yourself calm when you want? सिर्फ एक ही नियम है, कभी किसी चीज से न टकराएं। ये आपके जीवन पर भी लागू होता है। आज मैंने बहुत बढ़िया रागी डोसा बनाया है, खाकर देखिए। बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं, अगर आप किसी भी चीज को पकड़कर नहीं रखेंगे तो आप आनंदित रहेंगे। He is very grateful to you for this opportunity. मुझे ब्रेल लिपि में पढ़ा जा रहा है। तो अभी हम किसान उत्पादक संगठन का निर्माण कर रहे हैं। हमारे पास अभी 24 हैं, जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है, सिर्फ इसलिए कि ये एक सामूहिक प्रयास बन गया है। ये पहली कविता है जो मैंने ईशा योग केंद्र में लिखी थी। सफल लीडर का मतलब बस इतना है कि लोग जो कल देखते हैं वो आप आज देख रहे हैं, बस इतना ही।
मैं यहाँ भारत पाकिस्तान सीमा पर हूँ। हमारे बहादुर पुरुष और महिलाएं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। यहाँ बनास में होना बड़े सम्मान की बात है। अगले 2 से 3 वर्षों में आप यहाँ जो करेंगे वो पूरी दुनिया की मिट्टी को पुनर्जीवित करने का एक मॉड्यूल बन सकता है। सिर्फ देखो मत भाई, मेरे साथ आओ और कुछ करो ना। मैं इस पुराने विमान को उड़ा रहा हूं। मेरे जीवन की सबसे जरूरी चीज आपका भविष्य देखना नहीं है, आपको अपना भविष्य गढ़ने के लिए सशक्त बनाना है। अगले साल 2024 में हम कॉन्शियस प्लेनेट नाम का एक वैश्विक अभियान शुरू कर रहे हैं। इसका हिस्सा बनें।